स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और धमाकेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट ऑफ स्पीच के आठों भेद के बारे में पूरा बढ़िया से एनालिसिस करके एग्जाम्पल देकर के पूरे बढ़िया ढंग से आपको समझा दिया और यहाँ तक कि उसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवाया। यानी कि क्वेश्चन आंसर करवाने के फलस्वरूप आपके दिमाग में पूरा का पूरा वो पार्ट ऑफ स्पीच दिमाग में फिट हो गया होगा। प्रत्येक को मैंने मतलब क्या बताऊं कि एक एक लाइन को मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से विथ लॉजिक एंड ट्रिक समझाने की कोशिश की। अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, नाउन के बारे में। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है नाउन। यानी कि मैंने जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यानी पार्ट ऑफ स्पीच के आठ भेद होते हैं जिसमें पहले नंबर स्थान आता है नाउन का। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नाउन के भेद। यानी पहले हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के भेद को पढ़ा और उस भेद में मान के चलिए उसके अंग में कई न जाने उसके बाल बच्चे हैं उसके भी बारे में हम लोग को पढ़ना था। तो आज नाउन हम लोग पढ़ेंगे और इस नाउन नाम के जो व्यक्ति है इसके कितने संतान हैं, तो टोटल मिलाकर के 5 संतान है। ये है पहला नाउन का, पहला प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन को कहते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझिएगा इस बात को। देखिए प्रोपर नाउन में हमें किस तरह के वर्ड मिलते हैं, तो इसमें जो वर्ड मिलते हैं ना वो पूरा स्पेशल नेम होता है। जैसे सपोज मान करके चलिए कि एक ऐसा नाउन होता है, एक ऐसा वर्ड होता है, जैसे कि आप तो समझ ही रहे हैं कि हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और पार्ट ऑफ स्पीच के पहला भेद पढ़ रहे हैं और उसके भेद के कई भेद होते हैं वो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मान करके चलिए कि नाउन में ये प्रॉपर नाउन है, समझिए कि सब नाउन है, ठीक है ना। देखिए सब में नाउन आ रहा है कि ना आ रहा है कि नहीं। मान के चलिए राम है, बॉय है, वर्ग है, पानी है, ईमानदारी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अदरक लहसुन प्याज जो भी, सब नाउन है, ठीक है ना। लेकिन ये कौन सा नाउन है, तो प्रॉपर नाउन में हमें क्या समझना होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें क्या समझना होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में ऐसा नाउन आता है, एक ऐसा नाउन वर्ड आता है जो किसी खास नाम को दर्शाता है। जैसे कि राम, सीता, मुंबई, जनवरी, बाइबिल, दिवाली, कुरान, ये सब जितने भी हैं ये सब क्या है, कहीं ना कहीं से एक एग्जैक्ट नाम को कहीं ना कहीं से डिनोट कर रहा है, कहीं ना कहीं से एक स्पेशल नाम को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा राम, राम से डायरेक्ट पता चला किसी व्यक्ति का नाम का बोध हो रहा है। सीता किसी लड़की के नाम का बोध हो रहा है। मुंबई किसी स्थान के नाम का बोध हो रहा है। जनवरी किसी माह के नाम का बोध हो रहा है। बाइबिल किसी किताब के नाम का बोध हो रहा है। दिवाली किसी पर्व के नाम का बोध हो रहा है। इसका मतलब कि ये खास नाम किसके अंतर्गत आएंगे, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। अब बात करते हैं दूसरा नंबर कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन कॉमन से समझ जाइएगा, जो इंसान कॉमन रहता है ना, तो समझ के चलिए कि ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है और इस बीच में कोई व्यक्ति है जो कॉमन रह रहा है, तो समझिएगा कि ए नाम से भी बनाकर अपना रख रहा है और बी नाम से भी अपना इज्जत आबरू बना के रख रहा है। सपोज एज फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है ना। टेक वन एग्जांपल, जैसे कहने का मतलब ये है कि आप मान के चलिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपका दोस्त कहीं रह करके पढ़ाई कर रहा है और आप दोनों दोस्त के बीच में कोई एक ऐसा दोस्त है जो उससे भी बात करता है और आपसे भी बात करता है, तो वो दोस्त जो है ना वो आपके उस दोस्त से बात करके वहाँ पर भी अच्छा बनने का कोशिश कर रहे हैं और उसका शिकायत करके आपसे, ठीक है ना, वो भी आपके सामने वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके क्या कर रहा है, ये दोनों व्यक्तियों के बीच वो अच्छा बनने का कोशिश कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कॉमन व्यक्ति कहते हैं। कभी स्विच भी देखा होगा, इलेक्ट्रिक स्विच, कि जो कॉमन स्विच होता है ना कि एक ही को स्विच से ऊपर करो तो उधर वाला बल्ब जलेगा और नीचे करो तो इधर वाला बल्ब जलेगा, ठीक है ना। यानी दो बल्ब एक स्विच से चलता है, इसका मतलब कि वो कॉमन स्विच होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉमन नाउन में एक ऐसे वर्ड होते हैं ना, हम लोग जब बोलते हैं ना तो एक ऐसे वर्ड आ जाता है, एक ऐसा नाउन वर्ड आ जाता है जो कॉमन होता है, जैसे कि पूरी जाति का बोध हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए बॉय, लड़का, लेकिन देखिए लड़का से मालूम चल रहा है कि कौन सा लड़का है, सिर्फ मालूम चल रहा है, इसमें लिंग का पता चला, यानी लड़का, ठीक है ना। तो लड़का में पूरा जाति का बोध हो गया कि नहीं, लड़की से पूरी जाति का बोध हो गया कि नहीं, किसी लड़की की बात हो रही है, यानी स्त्रीलिंग की बात हो रही है, कंट्री देश की बात हो रही है, सिटी शहर की बात हो रही है, बुक किताब की बात हो रही है, लेकिन किस किताब की बात हो रही है, किस देश की बात हो रही है, किस शहर की बात हो रही है, किस लड़की की बात हो रही है, किस लड़का का बात हो रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। यानी कि कुल मिला जुला करके किसी लड़के का बात होना, किसी लड़की का बात होना, इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है लेकिन उस जाति के नाम का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ये किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। अब आइए तीसरा नंबर कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन जिसको कहते हैं हिंदी में समूहवाचक, समूह से डायरेक्ट पता चल रहा है कि ऐसे नाउन वर्ड जो एक साथ एक समूह में दिखे उसको हम लोग किस में रखते हैं, कलेक्टिव नाउन में, जिसमें कलेक्शन हो,
कलेक्शन ऑफ वर्ड हो, जैसे समूह का बोध हो, जैसे वर्ग हो गया, भीड़ हो गया, सेना हो गया, परिवार हो गया। जैसे मान के चलिए आप एक परिवार के सदस्य हैं, तो आप एक सदस्य भले सिंगल हो सकते हैं लेकिन आप परिवार में जो रह रहे हैं ना, आप इस परिवारों की झुंड जो है ना, मान के चलिए कि परिवारों की झुंड नहीं, मतलब आप सभी सदस्यों का जो झुंड होता है ना, एक परिवार कहलाता है। तो कुल मिला जुला करके ये झुंड, ये परिवार, ये सेना, ये भीड़, एक पूरा का पूरा समूह किस में आता है? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है विच वन ऑफ द, ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। तो जिस तरीके से मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन कराया था, आज के इस वीडियो में तो मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन समझा जरूर दे रहा हूँ कि उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि इसके बाद वाली वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर के आऊँगा तो मैं ज़रूर आपसे क्वेश्चन करूँगा, लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसका हम जो है ना, मतलब पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाने वाले हैं। अब आइए बात करते हैं मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक। द्रव्य मतलब समझते हो ना, कोई माने ऐसा पदार्थ जिसको नापा तोला जा सके किंतु गिना नहीं जा सके। तो नापने और तोलने का जिसमें बोध हो रहा, नापने और तोलने का। और याद रखिएगा, कभी भी नापने और तोलने वाला चीज़ हमेशा जो है ना अनकाउंटेबल फॉर्म में मिलता है, जैसे कि पानी, तेल, मक्खन, खाने की हर सामग्री हो जाएंगे, ये किस में आ जाएंगे भाई? मटेरियल नाउन के अंतर्गत। तो आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है जी? पूछ सकता है कि बताओ, जिस शैम्पू का आप प्रयोग करते हो, भले ही शैम्पू को पीस पीस में 1 रुपया 2 रुपये के हिसाब से खरीदते हो, मान के चलो हेड एंड शोल्डर खरीदने के लिए चले गए तो 2 रुपये में, तो आप कहते हैं सर हम तो शैम्पू को गिन लेते हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं क्या कह रहा हूँ कि द्रव्यवाचक, उस प्लास्टिक के अंदर जो द्रव्य मौजूद है उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो उसको हम कह रहे हैं वो किस में आएगा? मटेरियल, यानी उसमें कौन सा मटेरियल भरा हुआ है? तो शैम्पू भरा हुआ है। अच्छा, शैम्पू भरा हुआ है बाल में लगाने वाला, अच्छा, तो उस मटेरियल को हम मटेरियल नाउन कहते हैं और उसको हम कभी काउंट नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको नापा और तौला जा सकता है। तो जिसका क्या किया जा सकता है? नापा और तौला जा सके परंतु गिना नहीं जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मान के चलिए कि अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, अर्थात पानी, तेल, मक्खन इत्यादि जितने भी हैं ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अगला, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना, जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए इसमें भावना, पूरी तरीके से भावना की बोध होती है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि सुनिएगा, इसमें अपनी फीलिंग को दर्शाया जाता है, जैसे कि मान के चलिए कि ईमानदारी, ठीक है ना, गरीबी, सुंदरता, नींद, खुशी, ये क्या होता है ना, ये ऐसा चीज़ होता है ना, भावना, जिसको हम कभी देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। समझिएगा इस बात को, पॉइंट शुड बी नोटेड। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ड को पकड़ना बड़ा आसान है, उसका हम ट्रिक भी यहाँ पर लिखे हैं, ट्रिक अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए। जानते हैं क्या करना होता है? आप देखिएगा, मैं ये तो लास्ट में बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का होता क्या है, एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है ना, कि हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे कि गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, इश्क, प्रेम, ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं से ये हमारे अंदर की फीलिंग है, ठीक है ना, हमारे अंदर की दयालुता, हमारे अंदर की ईर्ष्या, ये सब क्या है? एक फीलिंग है, ठीक है ना, जो कभी दिखता नहीं है लेकिन रहता जरूर है इंसान के अंदर। मान के चलिए आपके अंदर कोई दुख है, कोई पीड़ा है, वो हमें दिख थोड़ी रहा है। आप कहेंगे कि देखो ना, मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, लेकिन क्या वो पेट का दर्द दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। अगर दिखाई देता तो पेट का दर्द वो निकाल करके उधर नहर पर फेंक दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो देखिए, ईमानदारी किसी की दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। हम लोग सिर्फ उसका महसूस करते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, वो देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। गरीबी किसी का दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। अरे यार वो गरीब है, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो गरीब है कि नहीं है ये हम कभी, मतलब मान के चलो कि उसकी दशा खराब है, वो खाने पर उसकी आफत है, लेकिन क्या पता कहीं वो एक्टिंग कर रहा हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि गरीबी हो, ईमानदारी हो, सुंदरता हो, ये सब क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ को महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। सुंदरता एक क्वालिटी को दर्शाता है। तो कुल मिला जुला करके, अच्छा मान के चलिए कि नींद, मान के चलिए कि नींद हमारी क्या हो गई, जैसे कि नींद है, खुशी है, ये हमारे अंदर की चीज़ें हैं कि हमें नींद लग रही है। तो नींद लग रही है तो इस चीज़ को हम देख थोड़ी पा रहे हैं कि आपको नींद लग रही है कि नहीं लग रही है। आपके अंदर खुशी है कि गम है, ये हम देख नहीं पा रहे हैं और ना ही छू पा रहे हैं। तो जिस चीज़ को ना हम देख पाएंगे ना छू पाएंगे, उसको हम लोग किस में रखते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। ध्यान दें, जितने क्रियाएं वे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग और सिंगिंग, यहाँ तक कि वॉकिंग, रनिंग, सिंगिंग भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत, यानी कि जिसको हम गिन भी नहीं सकते हैं। कुल मिला जुला कर कि ऐसे शब्द जिस शब्द का अर्थ कुछ भी हो लेकिन उस शब्द का हम डायरेक्ट भावना से रिलेट करते हैं और उस शब्द के साथ हमारी जो भावना निकल करके आती है उस भावना के तहत हम मान के चलिए कि उस भावना के तहत हमारी जो है ना मतलब एक ऐसी भावना आ रही है जिस भावना को हम छू नहीं सकते हैं, हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि वो इंसान चल रहा है,
या दौड़ रहा है या गाना गा रहा है, तो ये गाना गाना क्या है? एक तरीके का भावना है, मतलब गाना गा रहा है, गुनगुना रहा है, तो उसके गाए हुए गाना को हम छू थोड़ी सकते हैं, हम आवाज़ को छू नहीं सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके ये भी क्रिया अवस्टेक नाउन के अंतर्गत आती है। और तो और जितने भी साइंस जैसे कि आर्ट्स कलाएँ हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सब क्या है? ये भी क्या है? कहीं ना कहीं से अवस्टेक नाउन के अंतर्गत आते हैं। सभी भाषाएँ जैसे हिंदी, इंग्लिश, अब देखिए यहाँ पर एक मामला फंसेगा, कहेंगे का सर लैंग्वेज ना कॉमन नाउन है, लेकिन लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज? हिंदी, इंग्लिश, ठीक है ना, बंगाली, मराठी, कोंकणी, मतलब यही ना, तो ये तो हो गया, तो कम से कम ये तो प्रॉपर नाउन हो गया ना सर, ये समझाइए आप। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपका ग्रामर कहता है, ठीक है ना, कि देखिएगा हिंदी जो है ना, हिंदी हिंदी, ये हिंदी कैसे पता चलेगा कि आप हिंदी भाषा बोल रहे हैं कि हिंदी की किताब की बात कर रहे हैं? नहीं ना पता चल रहा है। जिसमें पूरी जाति का बोध होगा उसको नाम कॉमन नाउन कहेंगे, लेकिन जिसमें पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है अवस्टेक नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये अवस्टेक नाउन के अंतर्गत क्यों इसको रखा गया, क्यों? क्योंकि हिंदी से पता ये चल रहा है कि शायद हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा है कि हिंदी किताब की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जब दोहमत वाली बात आएगी ना, तो ये आ जाएगा, यानी कि किसमें? अवस्टेक नाउन के अंतर्गत। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश, तो इंग्लिश किताब की बात कर रहे हो कि भाषा की बात कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं से इसमें क्या हो जाएगा? अवस्टेक नाउन के अंतर्गत। बीमारियां भी देख लीजिएगा, हेडेक हो, स्टोमक है, इस चीज को हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। मान के चलिए कि अगर आपको कोई बीमारी हो गई है, ठीक है ना, जैसे मान के चलिए पेट दर्द है या सिर दर्द, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले उसके बारे में भी चर्चा कर रहा था, अवस्टेक नाउन के बारे में जब चर्चा कर रहा था तो फिर वो भी एग्जांपल फिर आ गया दोबारा, तो इसलिए मुझे ये चर्चा करना पड़ रहा है। मान के चलिए कि आपको कोई बीमारी है, जैसे सिर दर्द है, पेट दर्द है, तो मैं ये चीज़ तो देख नहीं ना रहा हूँ, आप बताएंगे तब पता चलेगा। अच्छा, आपको सिर दर्द है, आपको बुखार है, आपको छुएंगे तब पता चलेगा, ठीक है ना, लेकिन उस बुखार को नहीं हम छू पाएंगे। तो कुल मिला जुला कर जिस चीज़ को हम छू नहीं पाएंगे, जिस चीज़ को हम देख नहीं पाएंगे, वो क्या है? अवस्टेक नाउन है। अब इसको पहचानने का ट्रिक क्या हो सकता है, समझिएगा, ट्रिक इसका हो सकता है अवस्टेक नाउन को पहचानने के लिए बहुत ही धाकड़ और शानदार ट्रिक है कि वो इनविजिबल होगा, यानी वो अदृश्य होगा, उसको आप देख नहीं सकते, वो अवस्टेक नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे खुशी, गम, प्यास, प्रेम, भूख आदि, ये सब जितने भी है ना, ये अवस्टेक नाउन के अंतर्गत आएंगे। ए एन का प्रयोग उसके पहले कभी नहीं होगा, ठीक है ना। मान के चलिए कि भूख, प्यास, प्रेम, पीड़ा, दर्द, तकलीफ, ठीक है ना, झूठ, सच, ये जितने भी चीज़ें हैं ये अंदर की चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि अगर खुशी है, गम है, दर्द है, पीड़ा है, सिर दर्द है, टाइफाइड है, बुखार है, इसके पहले ए एन लगेगा क्या? कभी नहीं लगेगा। तो ये एक लॉजिक है, एक ट्रिक है कि वो इनविजिबल होगा, उसके पहले ए एन द का कभी प्रयोग नहीं, द का प्रयोग हो भी जाएगा लेकिन ए एन का प्रयोग कदापि नहीं हो सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने नाउन पढ़ाने की जो पूरी तरीके से 100% कोशिश किया कि आप समझ जाएं, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। थोड़ी सी वीडियो में जल्दीबाजी हुई होगी, तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके ज़रूर समझ लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि जो कुछ भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। अब इससे रिगार्डिंग जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वादा कीजिए कि आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। प्रॉमिस कीजिए, अपने प्रॉमिस को कमेंट में डालिए कि यस सर, आई प्रॉमिस कि आई विल नेवर लीव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। सो फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।